जब कोई दूध का चला हो तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और कुछ ऐसा ही है इस वक्त राजस्थान पुलिस के साथ। और यहाँ कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि जब पुलिस पहले ही चोट खा चुकी है तो फिर सावधानी भी बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रदीप आजाद। दरअसल ये पूरा मामला पपला गुजर से जुड़ा है, जिसने पहले पुलिस की नाक में दम कर दिया था और लाख कोशिशों के बाद वो वापस पुलिस के हत्थे चढ़ सका। लेकिन इस बार जब पुलिस ने पपला को धर दबोचा तो वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि पपला फिर उसके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सके। अब इसकी गिरफ्तारी की कहानी तो आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन आज आपको बता दें कि जो पपला अभी चल भी नहीं पाता, जिसके घुटने टूटे हुए हैं, अब वो कहीं वापस भाग ना जाए, फरार ना हो जाए, इस बार पुलिस उसके लिए पूरी तरह सतर्क है। और यही वजह है कि अब पपला को अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और ये वो जगह है जहां पहले से ही कुख्यात बदमाश कैद है। चलिए आपको बताते हैं पपला के शिफ्टिंग की पूरी कहानी। दरअसल सोमवार को जब कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड से जेल भेजने को कहा तो पुलिस ने बमुश्किल 2 घंटे ही किशनगढ़ बास जेल में रखा, क्योंकि इस बार पुलिस किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिर कागजी कार्रवाई पूरी करके तुरंत उसे किशनगढ़ बास से लगभग 300 किलोमीटर दूर अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने का निर्णय किया और इस शातिर को यहां पहुंचा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पपला 2 बार पुलिस कस्टडी से भाग चुका है और बहरोड पुलिस थाने से फरारी की कहानी तो आप अच्छे से जानते हैं। जब आधुनिक हथियारों के दम पर इसके साथियों ने पपला को थाने के लॉकअप से फरार करा दिया था 6 सितंबर साल 2019, और तमाम कोशिशों के बाद अब जाकर पिछले दिनों राजस्थान पुलिस ने इसे कोल्हापुर महाराष्ट्र से इसके गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया। अब चूंकि अलवर जिला हरियाणा के नजदीक है, जहां पपला की गैंग अक्सर सक्रिय होती है, इसलिए पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए प्रदेश की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल में पपला को शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारें करीब 40 फीट ऊंची है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात होते हैं। यहां निगरानी के लिए 76 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहते हैं। और जाहिर है कि हार्डकोर कैदियों के अदालत में पेशी के दौरान भागने की यानी फरार होने की आशंकाएं ज्यादा रहती है, इसलिए इनकी तारीख पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी जेल में की गई है। इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह और राजू ठेठ समेत कई कुख्यात बदमाश अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में रह चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि इस हाई सिक्योरिटी जेल में अभी पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, जोधपुर का कुख्यात अपराधी स्वरूप सिंह, कुख्यात बदमाश राजू ठेठ का गुर्गा पवन कुमार और उसके 2 साथी, आनंद पाल का भाई मनजीत सिंह और उसके 2 साथी, कोटा का कुख्यात बदमाश शिवराज और उसके कुर्के, सीकर का कुख्यात बदमाश अनिल उर्फ पांड्या और उसका 1 साथी, बीकानेर का कुख्यात अपराधी और हथियार तस्कर आमीन खान, भंवरी हत्याकांड का मुख्य आरोपित विश्वराम जाट और उसके 2 साथी बंद हैं। बहरहाल अब पपला भाग नहीं सकेगा और राजस्थान की सारी सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई लापरवाही भी नहीं बरतेगी, क्योंकि मामला पपला गुजर से जुड़ा है। और यही वजह थी कि इसे अलवर जिले से अजमेर तक पहुंचाने में खाकी का पूरा कारमा भी मौजूद था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।